सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देती हैं। कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे तुम्हारे सफलता का राज पूछने। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। आज का पंचांग 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 7:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार, आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें। इसे आपके और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। मन पसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। आज मीटिंग में अपने विचारों को शेयर करें। किसी अनुबंध या बिक्री को लेकर आपका दृष्टिकोण आवश्यक है। करीबी साथी के साथ भोजन का मजा लें। घर की आवाजें और खुशबू किसी भी सांसारिक संपत्ति से अधिक कीमती है। नए प्रयासों के लिए आजकल के दिन सर्वश्रेष्ठ है। यह दौर बहुत ही समृद्ध और फायदेमंद है क्योंकि इसमें आप नए आयाम खोजेंगे। ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाए। हो सकता है और नहीं हो सकता है के बीच में सिर्फ एक शब्द का अंतर है और वो ही शब्द आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता न करें। निश्चित ही बीमारी की सबसे बड़ी दवा चिंता मुक्ति बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। व्यापार में आज आप अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकती हैं। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव ना करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। अपने प्रिय से खुश होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगी। कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से आज आपका वैवाहिक जीवन सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। घर के वरिष्ठ लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन से कोई खास कार्य संपन्न होगा और फाइनेंस से संबंधित समस्याओं का भी हल मिलेगा। किसी नजदीकी संबंधी के साथ मतभेद दूर करने से संबंधों में सुधार आएगा तथा सुकून और राहत भरा माहौल भी रहेगा। हर एक काम में डिसिप्लिन बनाए रखें। आर्थिक लेन देन करते समय जागरूक रहें। खुद के लिए जैसे विचार रखेंगे वैसे ही अनुभव प्राप्त हो सकता है। आपके विचारों को वास्तविकता का रूप देने के लिए जिन बातों के लिए गंभीरता रखते हैं उसके हिसाब से आगे लाभ मिलेगा। नए काम की शुरुआत जल्दी हो सकती है। पार्टनर की हर एक छोटी बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। खून की कमी होने से सेहत बिगड़ सकता है। सावधानियां, किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव न होने दें तथा अपना मनोबल बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका गुस्सा या कटुवाणी दुष्टों को चोट पहुंचा सकता है। परिवार की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुने और सुलझाने का भी प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की।
घर में व्यवस्थित और अनुशासित वातावरण रहेगा। कुछ समय अपने लव पार्टनर के लिए निकालने से संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभव से परेशान न होने दें। हालांकि अभी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। अपनी घिसी पिटी रोजाना की जिंदगी से कुछ अलग करें। अपने साथी को रिझाने के लिए आज उन्हें अपनी मधुर आवाज में कोई रोमांटिक सा गाना सुना दें। आप अपने खूबसूरत रिश्तों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथी से मीठी नोकझोंक हो सकती है। जीवन को महकाने के लिए इत्र या फूलों की जरूरत नहीं होती, किसी खास के साथ होने से ही जीवन महकने लगता है। थोड़े से अतिरिक्त प्रयास करें और आपके ख्याल हकीकत में बदल जाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज आपके जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना है। जहाँ आपको अपनी कला गायन व फैशन से प्रसिद्धि मिलेगी, वहीं कोई संकट आपको बेचैन कर सकता है। सहयोगियों या पड़ोसियों की समस्याएं भी आपका वक्त ले सकती है। खुद पर विश्वास रखें और मन की शांति तलाश करें। जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है क्योंकि आप नए आयामों के बारे में जानते हैं। अच्छा, आपकी ऊर्जा का स्तर भी अधिक है और आप इसका प्रयोग सही दिशा में सही उद्देश्य के लिए कर सकती हैं या कर रहे हैं। अपने हर एक प्रयास का मूल्यांकन करें। याद रखें, रिश्तों से जरूरी है, इसीलिए अपने संपर्कों का लाभ उठाएं। अच्छा, आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रतापूर्ण भाव से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे ही इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है या इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। आज आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें, ताकि काम का कोई बोझ ना रहे और आपको अपने मालिक की डांट ना सुननी पड़े। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। मशीनरी आदि से संबंधित कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। फाइनेंस से जुड़े व्यवसाय में कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। नौकरी के प्रोजेक्ट में किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकता है, ध्यान रखें। किसी शुभ और धार्मिक कार्य में खर्च करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कोर्ट कचहरी या सामाजिक विवादों में आपकी जीत संभव है। घर में व्यवस्था अच्छी बनी रही इसके लिए योजनाएं बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में रुकावटें आ सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। आपके सामने एक ऐसी गंभीर स्थिति आ सकती है जिससे आपकी सेहत काफी प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में होने वाले अत्यधिक थकान से बचने के लिए अपने आप को कुछ हद तक काम के दबाव से मुक्त करने की कोशिश करें। इस ऊर्जा को जोरदार वापसी के लिए बचाए रखें। किसी एक परियोजना पर हद से ज्यादा मेहनत न करें, इससे आपको सामान्य तनाव तथा सिर दर्द हो सकता है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें। दान में चावल का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।